जा रहे हो तैयार गाय से जा रहे हैं ये लोग जा रहे हैं कलश यात्रा में। वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे लग रहे हैं गाइस। ये फोटो खींचते हुए नंद भाभी, क्योंकि अभी प्रियंका जी की भाभी अभी कलश यात्रा से आई हैं और इनको पोज नहीं आते हैं। शूटिंग हो रही है और ये फोटो खींच रही है भाभी जी की। प्रियंका जी देख रही है पोज बनाना और इनको पोज नहीं आता है, ऐसे नहीं, इसलिए इनको पोज सिखाया जा रहा है। ऐसे नहीं, अच्छा ये देखो प्रियंका जी भी, जबकि इनको खुद को ही नहीं आता है। ये देखो फोटोज के लिए सबसे आगे हैं। ये देखो ये भी और इनके जुल्फे खुलते हुए, बिकॉज यहाँ बात फोटो की आ गई है। अरे फोटो जल्दी खींचो प्रियंका जी, इतनी धीरे नहीं करते हैं। भाई कितनी फोटो खींचते हैं। प्रियंका जी बहुत कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा मुझे भी फोटो खिंचवाना है। हम छत पर गए थे टहलने के लिए और एक दो रील बनाई थी छत पर ही हमने यहाँ पे। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, ये सब देखो पानी बिखेर दिया सारे में, पानी बहुत ऐब करते बच्चे बहुत ही ज़्यादा। चलो अब चलते हैं हम नीचे, अब आपको मिलते हैं नीचे। चलो अब चल रहे हैं नीचे खाना खाने चलते हैं। व्यू चल अपना बर्थ के लिए कुछ खा रही हैं, आप देख सकते हो कैसे लग रहा है। हुक्का में नाम, ये देखो हुक्का में नाम हुक्का पे ओढ़ ओढ़ ना पर के घूंघट स्यान से चले गुजरी, जिसमें कह दे लोग शेरनी वो मार दबंग गुजरी। जा रही हो दीदी, जा रही हो आगी। अब हमारी दीदी अपने घर जा रही हैं। क्या हो गया? हाय कर दे व्यू, हाय कर दो, हाय हाय। इसको ये फाड़ देगा पहले, बता रहा हूँ। बाबू ले लो, मम्मी दे दो इसे। मत दो ले,
ठीक है। कल परसों दो दिन के लिए आई हो बस, ऐसा कल दिखाने गाइस। भाभी गई थी वैष्णो देवी, देखो मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। ये लेकर आई है मेरे लिए चूड़ियाँ, कड़े, और ये लेकर आई है माता रानी की तस्वीर वैष्णो देवी की, और लेकर आई है मेरे लिए प्रसाद। देखो मेरे लिए क्या क्या लेकर आई भाभी। भाभी बहुत करती है मेरे लिए, लाड़ करती है, बहुत ज़्यादा मरती है मेरे लिए। देखो हम यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं सब बैठ कर। देखो चाय पी लो, ये सब भाभी हमारी चाय पी रही है। चाय पीकर खत्म हो चुकी है चाय। चाय अरे वो ये अरुण जरूरी एक्टिंग करनी है बीच में। तो गाइस मेरा देवर आ गया था मुझको लेने के लिए। देखिए अब मैं जा रही हूँ। तो गाइस ज़्यादा दूर नहीं है घर हमारा, मामा के घर से थोड़ी सी दूरी पे है। तो देखो मैं जा रही हूँ दोनों बच्चों को लेकर। देखो हेलो गाइस, बोलियो बोल। गाइस ये मिले थे मुझे सूट भाभियों के यहाँ पे मामा के घर से। ये देख सकते हैं यहाँ पे सूट मिले थे मुझको। चार भाभियाँ हैं गाइस, चारों भाभियों ने एक एक सूट दिया था मुझे। एक मोइन ने दिया था, तो आप देख सकते हैं ये सूट है गाइस। सोचा आपको भी दिखा देती हूँ क्या मिला मुझे मामा के घर पे। दो दिन के लिए गई थी, गई तो गाइस 4-5 दिन के लिए थी, लेकिन टेस्ट का मैसेज आ गया। बच्चे के टेस्ट थे, बेटे का मेरे का राउंड टेस्ट था, और शादी में भी जाना था एक, तो अचानक शादी का भी फोन आ गया कि शादी में भी जाना है, तो इसलिए गाइस मुझे 2 दिन में ही आना पड़ा घर पे। भाभी तो गुस्सा हो रही थी कि 2 दिन के लिए आई है, बस 2 दिन के लिए आई है, पर क्या करें गाइस अचानक से फ़ोन आ गया, तो मैं 2 दिन में ही आना पड़ा मुझको। देख सकते हैं गाइस भाभियाँ बहुत लाड़ करती है मुझ पर, बहुत ही ज़्यादा मरती है। वो होता है नहीं अटैचमेंट होता है जिसके साथ, तो वो है मेरे साथ भाभियों का। शुरू से जाती हूँ ना मैं बचपन से ही भाभियों के साथ छुट्टियों में, कभी शादी से पहले ही बहुत आती थी मामा के घर। मामा के घर तो गाइस पता ही आपको बहुत मन लगता है। देखिए गाइस, गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि सूट कैसे लगे आपको, सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा। गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और तो मेरा व्रत है आज, रोज का व्रत है, तो मैं बना रही हूँ खीर। खीर बनाकर पूजा करके मैं व्रत खोली। टाइम हो रहा है अभी 7 बजे है अभी शाम को, फिर उसके बाद सब्जी वब्जी बनाने का काम चालू हो जाता है, फिर तो घर का खाना पीना। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा अपनी। पूजा करने के बाद मैं गाय को खीर और रोटी से भोग लगाकर फिर मैं व्रत खोलूँगी अपना दोज का। गाय से बन रही है खीर, और फिर उसके बाद मैंने आटा कर लिया है, मैंने मांड लिया है आटा। मैं बनाऊँगी अपने लिए बिना नमक के पराठे। बेस्ट कमेंट करके बताना कौन कौन दोज का व्रत रखता है मोहन बाबा का, और कमेंट करके जरूर बताना।
कौन कौन बोल।